ऐसे ही है ना, मतलब मुझे मम्मा की फिक्र करनी है तो फिर उस लेवल पर भी सोचना पड़ेगा, तो आप उनकी फिक्र छोड़ दें जरा, तो आप अपनी फिक्र करें ना, अगर उस फिक्र वो फिक्र करनी है तो हमें उस लेवल पर सोचना भी पड़ेगा, कुछ छोटी चीज़ है उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। में ये एस्टिमेट किया था रिसर्चर्स ने कि दुनिया में 40 एग्जाबाइट जिस तरह गीगाबाइट होता है, इस तरह टेराबाइट होता है, टेराबाइट से आगे फिर पेटाबाइट होता है और उसके बाद फिर एग्जाबाइट आता है। एग्जाबाइट ये कहा जाता था कि एक साल के अंदर 40 एग्जाबाइट इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी एक साल के अंदर, और अब वो एक दिन के अंदर मतलब रिसर्चर्स ने अगर कैलकुलेशन की होगी तो कुछ सोच समझ भी की होगी ना, और उनकी सोच से भी चीज आगे कहीं से कहीं पहुंच गई है, तो अंदाजा करें कि हमारे लिए कितने बड़े चैलेंजेस बनते आ रहे हैं। ठंडी है ऐसे ही हो रहा है मुस्तकबिल में हमारा निजाम ठीक हो जाएगा, मुस्तकबिल में ये चीजें हो जाएंगी, मुस्तकबिल में ये हो जाएगा, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, ठीक है। अभी जो चीजें चल रही हैं इसको थोड़ा समराइज करते हैं, हमें 12:30 बजे खत्म भी करना है इसको, 12:30 इसलिए करें ताकि आप 2 बजे तक थोड़ी ब्रेक ले लें, क्योंकि आप लोगों को माना था कि थोड़ी सी ब्रेक आपको चाहिए तो एक मित्र सवाल नमाज पढ़ने में ब्रेक बाद में ब्रेक फिर वो ये है ना कि वो 2:30 बजे तक ब्रेक हो जाती है, असल में जिन्होंने आना है ना वो 2 से 5-3 घंटे का सेशन है, लंबा सेशन हो जाएगा तो फिर ये खाने जो ब्रेक आपने खाने के बाद करनी है वो थोड़ा पहले आप कर लें रिलैक्स, खाना तो जरा लेट खा लें कुछ, मतलब आप मैनेज कर लें 12:30 से नमाज के बाद अब मुझे एक बताएं कि आप लोगों ने कोर्सेज के अलावा जो आप पढ़ाते हैं उसके अलावा आपने पिछले एक साल के अंदर कितनी किताबें पढ़ी हैं? अगर आपने पढ़ी है 20 तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते? वैसे थोड़ा आइडिया है, मसरूफ होते हैं, टाइम नहीं होता, यही होता है ना। आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, ये मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना होगा, ओबामा का नाम सुना होगा, ओबामा से ज्यादा बिजी तो नहीं होंगे आप लोग? हो सकता है। ओबामा एक साल में 50 किताबें पढ़ता है एक साल में, और वो मतलब मसरूफ आदमी होगा, चले आपने छोटी छोटी कितनी पढ़ ली? हर साल ओबामा अपनी लिस्ट जो किताबें पढ़ता है ना वो वेबसाइट पर देता है कि इस समर वेकेशन के अंदर मैंने मतलब छुट्टियों के अंदर मैंने ये वाली किताबें पढ़ ली है, और वो फिर बाद में रिव्यू करता है ये किताब मुझे अच्छी लगी नहीं लगी, जो जो भी है, और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके अगर आप कहें ना ओबामा बुक रीडिंग लिस्ट तो आपको वो लिस्ट देते हैं। सॉरी सवाल कर सकते हैं क्या कर रहे हैं आगे से, प्लान किया आप मुस्लिम उम्मा के लिए? मैंने आपको बता दी जो चैलेंजेस हैं, जो मसाले, जो चीजें चल रही हैं हमारे सामने, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका जवाब ये है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो मसले कोई नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कुछ कर सकते हैं तो वो कुछ क्या है? बच्चों को अच्छी तरह से तालीम और तरबियत दें कि वो सीखे, दूसरों को सिखाएं और इस तरह से ज्यादा बढ़ते जाए, अपने हिस्से का काम करें, और मुदर्रिस के लिए अपना हिस्से का काम किया है, कुछ बच्चे तैयार नहीं, कुछ बच्चे इस तरह के तैयार कर दें, ठीक है, हमारे हमारी हमारी जिंदगी में शायद ये काम ना हो सके लेकिन शायद हम इस तरह के लोग बना दें जो काम करें, कुछ और करें, ठीक है। तो बस ये गुजारिश आती है कुछ कुछ आपके सामने अगर एक दरख्वास्त करनी थी, वही दरख्वास्त है कि हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, ये जो मसाइल हैं ये बढ़ते जाएंगे, अभी
सतह के नीचे हैं, आस्ता आस्ता सतह के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, इससे पहले के पानी सतह से ऊपर गुजर जाए पहले इन चीजों को देखेंगे। अरे अपने से काम क्या कर रही हुकूमत तो चाहती नहीं है। पिक्चर आपने दिखाई है, मतलब शायद ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये वेस्ट वेस्ट को भी यही प्रॉब्लम्स होंगे ना। अरे इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा बहाव कि अब उस खुद उनका कंट्रोल भी इस पर हो गया है, तो क्या वो नहीं सोच रहे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है? देखिए उनके उनके मतलब सोचने की टेंशन इसलिए नहीं है, मतलब मैं आपको मजे की बात बताऊँ, अगले 10 साल के अंदर 15 20 साल के अंदर सबसे बड़ा रिलीजन आपके ख्याल में कौन सा होगा? इस्लाम। कोई रिलीजन नहीं, सबसे बड़ा रिलीजन इल्हाद होगा, कोई रिलीजन नहीं होगा। इस्लाम को खतरा कोई किसी क्रिश्चियनिटी बौद्धिज्म सिखिज्म जूडाइज्म उससे कोई खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा किससे है? इल्हाद। और ऐसा क्यों हो रहा है? जो मसाइल हमें हो रहे हैं वही मसाइल क्रिश्चियनिटी को भी है, ईसाइयत को भी है, और लेकिन वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे किताब बताता हूँ, रिचर्ड डॉकिंस एक ऑथर है, बड़ा मशहूर है इस तरह, उसकी एक दो किताबें हैं बहुत ही मशहूर है, और वो कहता है कि जो बंदा ये किताब पढ़ लेना तो बस मतलब गारंटीड है कि वो मुल्हिद हो जाएगा। तो मुझे ऐसी कोई किताब किसी इस्लामिक स्कॉलर की नहीं मिली कि जिसने उस रिचर्ड डॉकिंस की उस किताब का भी जवाब लिखा हो, और आपको हैरानी होगी जानकर कि बहुत सारे क्रिश्चियन ऑथर्स हैं जिन्होंने उसका जवाब लिखा है, और वो जवाब इतना अच्छा नहीं है, सारी बात है, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके पास नहीं है। किताब पढ़ के अंदाज़ा होता है, दोनों किताबें पढ़ के जिन्होंने उसका रद्द अमल भी लिखा है, कि इससे अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हमारे मैं तो उलमा से ये उम्मीद रखूँगा ना कि वो लोग ये काम करेंगे, मैं मेरा तो टीम का इतना काम नहीं है, ये ज़रूरती है ना, ये ज़रूरती है ना। अभी भी किताब आई है जब जिंदगी शुरू हुई, उसके कुछ शुरू में पेशलफ में जो बंदे ने लिखा है कि बर्नार्ड शॉ ने जो किताब लिखी थी कि ये तो कौन सा खुदा है कि जिसमें गुना गा बेगुना सब है, कोई सलाह का तस्वर ही नहीं। तो इस आदमी ने जो किताब लिखी उसमें इन्हें कोशिश की है कि आखिर का तस्वर दिया जाए। अबू याजा की जो किताब है ना, देखिए वो रैशनल माइंड के लिए नहीं, मतलब मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, वो किताब उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मुसलमान है, जो मुसलमान नहीं है ना उनके लिए उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो रिचर्ड डॉकिंस का जो कमाल है वो ये है कि जो मजहबी होता है उसको वो मुल्हिद बना देता है, कमाल है ना। तो हमारी जो किताबें हैं वो सारी की सारी मुसलमानों के लिए रखी हुई हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, तो मुसलमानों को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब किताब का नाम है रिचर्ड डॉकिंस, आप गूगल करें इसकी जो सबसे मशहूर किताब है वो गॉड डिल्यूजन, मतलब खुदा का शराब कह लें या उसे जो भी कह लें, गॉड डिल्यूजन। उनका तर्जुमा हो चुका है, उनका तर्जुमा और तो नहीं है भाई। सर नाम फिर से बताएं। बहुत सारे लोग मुतासर हैं। जी ओशो से यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आम बच्चा ओशो से मुतासर। देखिए आप लोग नहीं करेंगे कोई और कर देगा, अगर आप लोग इंटेलेक्चुअल काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ना। बच्चे को तो नहीं पता कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो आलमी जो ऑलम है जो आलम है चीज़ें जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया है उन्हें तो पता है ना। तो झगड़ा वगैरह किसको लगेगा आखिर में, बच्चों को लगेगा या आपके उस्तादों को लगेगा? उनके मौलाना ही को लगेगा, तैयार हो जाए। मतलब मैं उसमें शामिल हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं उसमें शामिल हूँ, डर लगता है। इसलिए ये सारी बातें जो बड़े दुख तकलीफ से मैंने कहा मैं आप तक सुना दूँ ताकि मैं थोड़ा सा दर्द कम हो जाए, थोड़ी दर्द आप लोग भी जरा लेना, सही बात है, दर्द तकसीम हो जाए। और दूसरा ये कि फिर मैंने तो अपना पैगाम पहुँचा दिया ना, ये बाप की जिम्मेदारी है, आप लोग करें ना करें, आपने हमारे ऊपर इन तमाम मसाइल का हल जो असल है। तो यानी मौला मोदी ने बयान की मिसाल दी है रेलगाड़ी की, जब तक उसके ड्राइवर को आप ये तब तक जो है मसला चलता रहेगा। तो इस तरह इन तमाम मसाइल का हल तो ये है कि जब तक हुकूमत की बागें गैर मुस्लिम लोगों के हाथ में, तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे, चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितना ये मास करें। देखिए ये सोशल चेंज के हवाले से दो मॉडल है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी तब्दीली ऊपर से आती है, कुछ लोग कहते हैं तब्दीली नीचे से आती है। ये जमात सामने कहते हैं कि तब्दीली ऊपर से आती है, आप हुकूमत ठीक कर दें, ट्रेन का इंजन ठीक हो जाए, ड्राइवर ठीक हो जाए तो वो ट्रेन को सही जगह ले जाएगा।
कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक लोग ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक मामला तो ठीक नहीं होगा ना। लोग ठीक अगर आपका वजीर आजम या सदर बहुत ही दीनी कोई दीनी उसका बंदा आ जाए तो क्या लोग सिग्नल तोड़ना बंद कर देंगे? लोग सिग्नल तोड़ते रहेंगे ना, कुछ लोग ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नीचे से तब्दीली आती है, कुछ लोग कहते हैं कि तब्दीली ऊपर से आती है। मेरा ये ख्याल है जो लोग कहते हैं कि तब्दीली ऊपर से आती है बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करें आप लोग। जो कहते हैं तब्दीली नीचे से आती है बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करें आप लोग। फायदा क्या होगा कि जो ऊपर से तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है वो भी कोशिश करता रहे, जो नीचे से लाने की कोशिश कर रहा है वो भी कोशिश करता रहे, टाइम बच जाएगा ना। बजाय इसके कि सब लोग पहले ऊपर से कोशिश करें बाद में पता लगे कि ये नहीं चलने वाली, या सब लोग कोशिश करें कि जो नीचे से तब्दीली ज्यादा बेहतर है कि हर बंदा जो उसके जहन में जो आइडियाज आ रहे हैं वो काम शुरू कर देता है, फिर वो फिर उसके मुखालिफ चलता है। ये गलत बात है। अगर हमें पता है कि वो वहीं पे ले जाना चाह रहा है जहाँ पे हमारी मंजिल है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो मुझे भी आपसे बस यही सपोर्ट चाहिए, हम अपने तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे भी है, और आप अपने तरीके से शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया।